नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लाफिंग थेरेपी की। प्रतिवर्ष मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद सिर्फ लोगों में हंसी फैलाना ही नहीं है, बल्कि यह भी बताना है कि किस तरह से खुश रहकर आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। जी हाँ, जब आप खुश होते हैं तो टेंशन और डिप्रेशन के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी आपके शरीर से दूर रहती है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, आपने केवल सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इसके फायदे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन, शोध से पता चला है अधिक खुश रहने वाले लोगों का ब्लड सर्कुलेशन सामान्य लोगों से बेहतर होता है। साथ ही इससे आप कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। हंसने से ब्लड वेसल्स में हुए फैलाव से खून का बहाव तेज होता है। हार्ट चैम्बर में खून का दौर ठीक होने से कार्डियो सर्कुलर की समस्याओं से बचा जा सकता है। खुलकर हंसने वाले व्यक्ति के नेगेटिव विचार दूर छूट जाते हैं। वह सब कुछ भूलकर फील गुड फैक्टर में खो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन, क्या आप जानते हैं कि बातचीत करते समय हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उससे 6 गुना अधिक ऑक्सीजन हंसते समय लेते हैं। इस तरह से शरीर को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। दिल के लिए फायदेमंद, लाफ्टर थेरेपी से रक्त वाहिकाएं ठीक से कार्य करती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सामान्य बना रहता है। इससे आप दिल के रोग, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचे रह सकते हैं। हंसने से शरीर में खून का संचार बेहतर होता है। इससे शरीर में एंडोफिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसा माना जाता है कि खुश रहने वाले लोगों को दिल की बीमारियों से सामना नहीं करना पड़ता। तनाव से मुक्ति, मनोवैज्ञानिक भी तनाव से ग्रसित लोगों को लाफिंग थेरेपी की सलाह देते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका मस्तिष्क अपने आप सोचने लगता है कि आप खुश है। यह प्रक्रिया पूरे शरीर में प्रवाहित करता है, जिससे दिमाग में फील गुड केमिकल्स नाम का एंडोफिन रिलीज होता है। इससे आप तनाव से मुक्त रहते हैं। साथ ही यह अन्य मानसिक समस्याओं से बचने में भी मदद करता है और यह आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट रूबेन स्टेन का मानना है कि 1 मिनट की हंसी शरीर को जितना सहज बनाती है, उतना सहज होने के लिए अन्य कोशिकाओं में कम से कम 45 मिनट लग जाते हैं। वास्तव में खुलकर हंसने से इंसानी शरीर में ब्लड वेसल्स यानी धमनियों में फैलाव आता है, जिससे खून तेजी से शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचता है। खुशी और चैन से एंडोफिन और कोर्टिसोल जैसे रसायनों का रिसाव होता है, जिसका मुख्य काम फील गुड कराना है। मजबूत इम्यून सिस्टम, रोजाना लाफ्टर थेरेपी करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होने के साथ शरीर में एंटीवायरल व संक्रमण को रोकने वाली कोशिकाएं बढ़ जाती है। इससे शरीर को बैक्टीरिया व इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत मिलती है। इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण रोल हमारे शरीर को ठीक रखने में है। नेगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक भाव हमारे अंदर तनाव, अवसाद और गुस्से को जन्म देते हैं। इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और साथ ही बाहरी रोगों से लड़ने और उन्हें झेलने की ताकत को भी कम कर देता है। लेकिन यहीं पर हंसने और खुश रहने से हमारे शरीर के प्राकृतिक किलर सेल्स यानी एंटीबॉडीज मजबूत होते हैं। वजन घटाए, दिन में लगभग 10 से 15 मिनट खुलकर हंसने से लगभग 40 कैलोरी बर्न होती है, जिससे आपका मोटापा कम होता है। इसके अलावा इससे आपका मोटापा भी कंट्रोल में रहता है। कैंसर से बचाओ, खुलकर हंसने से शरीर में इंटरफेरोन गामा का स्तर बढ़ जाता है। IFN बी सेल्स, टी सेल्स, NK कोशिकाएं एंटीबॉडी को उत्तेजित करके कैंसर सेल्स के विकास को नियंत्रित करता है। इससे शरीर को कैंसर सेल से लड़ने में मदद मिलती है और आप इससे बचे रहते हैं। एंटी एजिंग फॉर्मूला, सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, हंसना या लाफ्टर थेरेपी चेहरे और जवां दिखने के लिए भी फायदेमंद होती है। हंसने से चेहरे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती और आप लंबे समय तक जवां दिखते हैं। इसीलिए एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स पर पैसे बहाने की बजाय रोजाना खुलकर हंसे। नींद की समस्या, अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है तो दिल खोलकर हंसना चाहिए। शोध में पाया गया है कि हंसने से नींद का पैटर्न बेहतर होता है।
जो अनिद्रा के इलाज में सहायक होता है। मिलती है एनर्जी। हंसने के दौरान आप गहरी सांसें लेने और छोड़ने की एक्सरसाइज करते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर तरीके से होता है, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक तरोताजा और एनर्जी से भरपूर रहते हैं। लाफ्टर क्लब। हंसने के फायदों को देखते हुए मुंबई में पहला लाफ्टर क्लब 1995 में डॉक्टर मदन कटियार ने शुरू किया था। आज पूरी दुनिया में 5000 लाफ्टर क्लब है, जिसके लाखों सदस्य हैं। भारत में इसकी संख्या 300 से ज्यादा है। दिल्ली में ऐसे क्लबों की कमी नहीं है। आप भी अपनी कॉलोनी में ऐसा क्लब बना सकते हैं और हंसी का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपके कुछ सुझाव भी है तो वो भी हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।